तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल प्लानर एंड मेकर को और बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। अगर आप भी रेडी टू मूव बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर घर सर्च कर रहे हैं तो वेलकम टू प्लानर एंड मेकर। सो गाइस, आज हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं वह 3 BHK बिल्डर फ्लैट। हमारी प्रॉपर्टी का जो बिल्टअप एरिया है वो 80 गज है। 80 गज सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अभी हम इसका जब वॉक थ्रू करेंगे तो यू विल लव दिस। रीजन बिंग बहुत ही वेल डिजाइन है विद गुड स्पेस। सबसे अच्छी बात, इसमें प्रॉपर आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है, 3 सफिशेंट बेडरूम मिल रहे हैं और बिग मॉडुलर किचन मिल रही है विद सेपरेट 2 टॉयलेट कम बाथ के साथ। सो ये प्रॉपर्टी हमारी रेडी टू मूव है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको हमारे यहाँ से क्या क्या एमिनिटीज मिलेंगी वो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लिफ्ट मिल रही है विद गाड़ी पार्किंग का स्पेस है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और अगर मेट्रो स्टेशन से बात करते हैं आने की, तो बहुत ही ईजी अप्रोच है। 40 फुट की वाइड रोड है घर तक आने के लिए। और अगर हम मेट्रो स्टेशन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ 0.5 किलोमीटर यानी 500 मीटर के डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और ये प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो आज हम इसका सब कुछ वॉक थ्रू करेंगे। लेकिन वॉक थ्रू करने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वो पहुँचाते रहें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीवियस वीडियोज़ के ऊपर फीडबैक देने के लिए, कमेंट्स पास करने के लिए और लाइक्स करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं आपको हमारे यहाँ से क्या काम होके मिल रहा है। तो गैस, अब हम खड़े अपने फ्लैट के ड्राइंग रूम में, जो कि इस फ्लैट की शान है। सबसे अच्छी बात इसका स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो आपको डायमेंशन मिल रहा है ड्राइंग रूम की, वो मिल रही है 14x10 की। 14 फुट ये ऐसे है और 10 फुट ऐसे है, बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ है, जिसमें आपको प्रॉपर यू शेप की सीटिंग मिल रही है सोफ़ा लगाने के लिए। और एल्स आप चाहो तो इसमें अपना 5 सीटर सोफ़ा लगा सकते हो, यहाँ पर दीवान लगा सकते हो और आप प्रॉपर 7 सीटर सोफ़ा लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात जो है इसमें आपको स्पेस की है, सेम यहाँ पे आपको कहते हैं ब्यूटीफुल वॉलपेपर लगाओ मिल रहा है हमारे एंड से। आपको बाकी पूरी दीवारों पे रॉयल शाइन प्लास्टिक पेंट है जो कि वॉशेबल है। बहुत ही बेहतरीन फॉल सीलिंग हमने इसमें डिज़ाइन कर रखी है। सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आपको जो हमारे एंड से आपको फ्लैट बिल्कुल रेडी टू मूव मिल रहा है। आपको सिर्फ अपना फर्नीचर ला के इसमें प्लेस करना है। अगर हम ऊपर की फॉल सीलिंग की बात करते हैं, एक बार मैं बोलूँगा कैमरामैन को ऊपर फॉल सीलिंग दिखाए आपको, बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ है, जिसमें फ़ैन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। जो फैन भी आपको मिल रहा है वो अंडर वारंटी है। स्मार्ट LED लाइट्स हैं इसमें, प्रॉपर ट्यूबलाइट और स्मार्ट LED लाइट्स आपको मिल रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिल रही है, वो मिल रही है आपको ये इंटरकॉम सेक्शन। ये जो इंटरकॉम सेक्शन है, ये आपका वीडियो के साथ है। सबसे अच्छी बात, इसमें आप यू कैन सी कि बाहर कौन खड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप गेट ओपन कर सकते हो। तो ये ऑडियो वीडियो के साथ आपको सिस्टम मिल रहा है।
अगर हम बात करते हैं अपने इसकी, ये हमारा एंट्रेंस डोर हो गया ड्राइंग रूम में अंदर आने के लिए, जिसमें आप अपना एंट्री लोगे तो नॉर्थ फेसिंग होगा और अगर आप एग्जिट लोगे तो साउथ फेसिंग होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें हमने टीवी पैनल डिज़ाइन कर रखा है जो कि ह्यूज है, जिसमें आप अपना कहते हैं बड़ा टीवी होम थिएटर आप ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग दे दी गई है ड्राइंग रूम में, और ये आपका एमसीबी का सेक्शन हो गया कंप्लीट, और प्लस आपको स्मार्ट यहाँ पे फोकस लाइट्स मिल रही हैं जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करती है। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो नीचे आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं, 3 ड्रॉर्स हैं सेक्शंस के लिए जिसमें आपके कहते हैं ड्रॉर्स हैं और इसमें आप स्टोरेज कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ है। अगर मैं नीचे फ्रश की बात करता हूँ तो पूरा का पूरा इस फ्लैट के अंदर आपको जितनी भी फ्लोरिंग मिल रही है, दिस इज़ कटनी मार्बल गाइस, कटनी मार्बल की फ्लोरिंग है और जो कि इसकी ब्यूटी को और ड्यूरेबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस करता है। तो ओवरऑल ये हमारा ड्राइंग रूम था। अब ड्राइंग रूम से अगर हम मूव करते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस है जिसको हम लॉबी स्पेस भी कह सकते हैं। कंप्लीट आपको मॉडुलर किचन मिल रही है बिग स्पेस के साथ, जिसमें आप अपना यहाँ पे बड़ा डबल डोर या फिर आपका कहते हैं फ्रिज हो गया डबल डोर फ्रिज, और एल्स आप चाहो तो यहाँ पे अपना फ्रिज के साथ जो माइक्रोवेव काउंटर होता है वो आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो कंप्लीट मॉडुलर किचन है ये, आपको चिमनी लगी मिल रही है, सेम ऊपर आपको कहते हैं फोकस लाइट्स मिल रही हैं, फॉल सीलिंग आपकी यहाँ पे भी हो रखी है। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी आपको लकड़ी की वुडन की इसमें कैबिनेट्स हमने डिज़ाइन कर रखी हैं, जिसमें अंदर भी माइका इंस्टॉल है और बाहर भी माइका आपकी इंस्टॉल है। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, ये आपके चैनल ड्रॉर हो गए स्टोरेज के लिए, जिसमें आपकी स्टेनलेस स्टील की बास्केट्स लगी हुई हैं। ये आपका सेक्शन हो गया जिसमें आप अपने बर्तन हो गए या चम्मच हो गया, स्पून हो गए, करछी हो गई और अदर आइटम्स वो आप इजीली यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। सेम ये प्लेटों के लिए सेक्शंस हो गए, ये ट्रॉली होगी फॉर अपना कहते हैं आटे के ड्रम के लिए, या फिर कोई बड़े बर्तन है हैवी बर्तन है वो रखना चाहते हो आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। किचन यूजली जो लेडीज़ का फेवरेट पार्ट होता है उसी हिसाब से ये 3 BHK हमने डिज़ाइन करा हुआ है, जो कि सेपरेट ड्राइंग रूम है, सेपरेट किचन है और बाकी सेपरेट 3 आपको बेडरूम्स मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ओपन टू ऑल नहीं है, अगर कोई गेस्ट आके ड्राइंग रूम में बैठा हो तो हर चीज़ हिडन है, सिस्टमेटिक हमने इसमें डिज़ाइन करी हुई है। बाकी ये आपका सिंक का एरिया हो गया जिसमें आपको टैप्स लगे मिल रही हैं, ये आपका आरओ का एरिया हो गया जिसमें आप अपना आरओ और एल्स बर्तनों को रैक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है जिसमें हमने जो कलर थीम ली हुई है वो वाइट एंड पर्पल की ली हुई है किचन के अंदर, जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करता है। और जो हमने टाइल्स लगा रखी हैं पूरी की पूरी आपको ये मोज़ेक पैटर्न के अंदर हमने टाइल्स लगा रखी हैं। तो ओवरऑल हमारी किचन है, किचन से अब हम मूव करते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट मास्टर बेडरूम। अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात इसका साइज़ है, जो कि प्रॉपर 10x10 का रूम है जिसमें आप 6x6 का बेड अगर आप इसमें प्लेस करोगे तो 2 फुट यहाँ 2 फुट यहाँ प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है। ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल हमने डिज़ाइन कर रखी है फॉल सीलिंग की, अगर आप देखोगे तो ऊपर हमने हेक्सागन पैटर्न के फॉल सीलिंग डिज़ाइन कर रखे हैं, जिसमें फ़ैन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल है और कंप्लीट आपको कॉर्नर तक में फॉल सीलिंग हुई मिल रही है और आपको कहते हैं कॉबलेट्स लगी हुई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें वॉलपेपर हमने डिज़ाइन कर रखा है, ये आपका वॉलपेपर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल है। और अगर हम बात करते हैं, ये हमारा मास्टर टॉयलेट का बात हो गया जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये हमारा विंडो हो गई। अगर हम इस फ्लैट की बात करते हैं, ये जो हमारी फ्लैट की विड्थ है वो 30 फुट की विड्थ है, जिसमें आपको किचन जो आपने देखा उसको भी वेंटिलेशन मिल रहा है। ये हमारा बेडरूम हो गया, इसमें भी आपको वेंटिलेशन मिल रहा है, जो हमारा सेकेंड बेडरूम है उसमें भी आपको वेंटिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ होगी, विंडोज़ में ऑलरेडी नेट जालियाँ लगी हुई हैं जो कि मॉस्किटोज वगैरह से और ज़्यादा आपको बचाती हैं, प्लस ये ग्लास विंडोज़ होगी, नेचुरल लाइट का प्रोविजन पूरा है। यहाँ पे आपका 1 टन का एसी या 1.5 टन का 2 टन का एसी आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आपको कहते हैं स्विच दिया गया है और उसके लिए यहाँ पे आपको 32 एम्पीयर की MCB दी गई है पावर के लिए। तो ओवरऑल हमारा बेडरूम है 10x10 का, जिसमें बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्लानिंग के साथ है। अगर आपने ड्राइंग रूम में वॉल का पेंट देखा होगा तो आइवरी पैटर्न पे था, हमने इस बेडरूम के अंदर जो वॉल पेंट यूज़ कर रखा है वो लाइट ग्रे पैटर्न का है। अब हम यहाँ से मूव करते हैं अपना, गाइस ये हो गया सेकंड बेडरूम जो कि बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ है। अगर मैं इसके स्पेस की बात करता हूँ, जो इसका साइज़ मिल रहा है आपको 12x10 है, 12 फुट ये ऐसे है और 10 फुट ऐसे है, काफ़ी बड़ा आपका बेडरूम मिल रहा है जिसमें आपको अलमीरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर हम बात करते हैं अपने इसके रूम की, जिसमें आपको कहते हैं विंडो हो गई क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे भी आप अपना AC इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बालकनी के लिए गेट हो गया। लेकिन बालकनी में जाने से पहले मैं आपको अपने इस बेडरूम के अलमीरा दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ है, जिसमें आपको जो डायमेंशन मिल रही है 4 फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है, प्रॉपर रूफ हाइट तक आपको प्रॉपर इसमें अलमीरा मिल रही है।
जो कि बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ है, हैंगर रोड आपको लगी हुई है जिसमें आप अपना स्टोरेज इजीली कर सकते हो। दो आपको ड्रॉर्स हो गए, नीचे आपको दो सेक्शन हो गए स्टोरेज के लिए जिसमें आप अपना शू रैक की शेल्फ क्रिएट कर सकते हो और एल्स जो अदर स्टफ है वो आप इसमें रख सकते हो। ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें आपको माइका यूज़ करी गई है जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करती है। ओवरऑल ये बेडरूम है, अगर हम इसके अंदर भी बात करते हैं, प्रॉपर आपको फॉल सीलिंग मिल रही है ऊपर तक। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो आपको दिखाए, प्रॉपर इसमें फॉल सीलिंग है। सेम स्मार्ट LED लाइट्स इसमें लगी हुई हैं और आपको फैन लगा हुआ है। अगर हम इस बेडरूम की बात करते हैं, इसमें भी आपको जो कलर थीम मिल रही है वो आपको पर्पल टोन में मिल रही है। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर टेक्सचर डिज़ाइन क्रिएट कर रखा है। ये टेक्सचर डिज़ाइन है गाइस, ये अपना वॉलपेपर नहीं है। बहुत ही इसमें हमने यूनिक पैटर्न के अंदर टेक्सचर डिज़ाइन यूज़ करा है। सेम अगर हम बात करते हैं, ये होगी हमारी बालकनी। गाइस बालकनी में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फ्लैट के अंदर इस फ्लैट के अंदर जितने भी हमारे डोर्स लगे हुए हैं सबके अंदर आपको प्रॉपर हैंडल लॉक्स मिल रहे हैं। कोई कुंडिया नहीं है, अलदराज नहीं है, प्रॉपर हैंडल लॉक्स हैं, वो भी हैवी क्वालिटी के हैं और अपना कहते हैं ब्रांडेड हैं, जो कि अंडर वारंटी आपको मिल रही है। इनकी अंडर वारंटी इसमें प्रोडक्ट हैं ये, अगर इनकेस कभी भी ख़राब होते हैं तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप इनको रिप्लेस करा सकते हो। तो ये प्रॉपर बालकनी होगी। अगर हम बालकनी की बात करते हैं, इसका अगर आप साइज़ देखोगे तो 11 फुट ये ऐसे है और 3.5 फुट ये ऐसे है, जो कि वेल डिज़ाइन है, अच्छा स्पेस है। क्रॉस वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये हमारा फ्लैट बैक फेसिंग है, लेकिन बैक फेसिंग होने के बावजूद इसके अंदर आपको वेंटिलेशन पूरा मिल रहा है। उस बेडरूम की भी विंडो आपको मैंने दिखाई, ये सेम किचन की विंडो हो गई। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा ऊपर आपको विंडो दिखाई, ये किचन के लिए विंडो हो गई, ये हमारी मास्टर बेडरूम की विंडो हो गई और वो हमारा मास्टर बेडरूम के साथ जो टॉयलेट है उसके लिए विंडो होगी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये पूरी की पूरी विंडो होगी आपको। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये वॉशिंग मशीन का स्पेस मिल रहा है जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हो। पावर के लिए यहाँ पे टैब हो गया, पावर के लिए यहाँ पे स्विच हो गया है और यहाँ पे आपको ड्रेनेज के लिए यहाँ पे नीचे जाली दी गई है। अगर हम बात करते हैं इसमें बालकनी की, तो कंप्लीट आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल रही है और आपको कहते हैं एंगल क्लॉथ लगे हुए हैं कपड़े सुखाने के लिए। क्रॉस वेंटिलेशन के लेके आपको इशू नहीं होगा क्योंकि इस घर की जो विड्थ है वो 30 फुट है, तो 30 फुट के हिसाब से इसमें वेंटिलेशन पूरा है घर के अंदर। तो ओवरऑल हमारी बालकनी थी। बालकनी के बाद अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो चलाओ, जैसा भी आपने देखा है कंप्लीट स्पेस था हमारा, ये ड्राइंग रूम था, ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम हो गया, किचन होगी और सेकेंड बेडरूम अभी आपने देखा। सेकेंड बेडरूम से मूव कर आते हैं तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये हमारा कॉमन टॉयलेट कम बाथ हो गया, ये हमारा थर्ड बेडरूम हो गया। कॉमन टॉयलेट कम बाथ के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो वेल डिज़ाइन है जिसमें आपको वॉल माउंटेड सीट मिल रही है, फ्लश टैंक दीवार के अंदर इंस्टॉल है। ये आपके गीजर के लिए वॉल एंगल हो गए और ये शाफ्ट होगी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं, एक बार कैमरामैन को बोलूँगा अंदर आए, सेम यहाँ पर आपको वॉश बेसिन हो गई, लुकिंग मिरर मिल गया, आपको एसेसरीज लगी हुई मिल रही हैं। ये आपका शॉवर के लिए टैब्स हो गए, सेम ऊपर आपका शॉवर सेक्शन हो गया। अगर हम इसमें पूरे के पूरे बाथरूम के अंदर अगर हम टाइल के डिज़ाइंस की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक पैटर्न के अंदर हमने डिज़ाइंस कर रखा है। शॉवर एरिया को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे हाईलाइटर टाइल्स लगा रखी हैं और सीट वाले पार्ट को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे हाईलाइटर टाइल्स लगा रखी हैं। तो ओवरऑल हमारा कॉमन टॉयलेट कम बाथ है। अगर हम कॉमन टॉयलेट कम बाथ से मूव करते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड बेडरूम। लेकिन थर्ड बेडरूम में जाने से पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा, एक बार कैमरामैन को बोलूंगा पीछे की तरफ जाएं वो, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास ये भी स्पेस मिल रहा है क्योंकि इसमें भी यहाँ पे भी आपके पास स्पेस है। चाहो तो आप लोग अपना यहाँ पे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे आप अदर स्टफ रख सकते हो और एल्स वहाँ पे बालकनी में तो वॉशिंग स्पेस मैंने आपको दिखाया था, तो ये आपके पास भी स्पेस पूरा मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया थर्ड बेडरूम। अगर हम थर्ड बेडरूम की साइज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको जो बेडरूम का साइज़ मिल रहा है 11x10 का साइज़ है, 11 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है। इसमें भी आपका 6x6 का बेड आराम से आ सकता है और बेड आने के बाद आपके पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्रॉपर 2-2 फुट की जगह बच जाएगी जिसमें आप अपने साइड टेबल्स हो गए या अलमीराज होगी वो आप इजिली प्लेस कर सकते हो। सेम इसमें भी आपको डिफरेंट पैटर्न की हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यूज़ कर रखा है। एक बार मैं कैमरा मैन को बोलूँगा ऊपर दिखाया आपको, डिफरेंट पैटर्न का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है जिसमें आपको सेम कॉबी लाइट्स लगे मिल रही हैं। अगर आप देख पाओगे तो इस दीवार पर हमने पूरा का पूरा आपको वॉलपेपर है जो कि हमने डिफरेंट पैटर्न के अंदर यूज़ करा है और यहाँ पे आपको एक मैजिक ब्रिक्स ग्लास ब्रिक मिल रही है जो कि नेचुरल लाइट को और ज़्यादा इसमें आपको फ्लैश कर दी है,
नेचुरल लाइट को लेके, जो यूजली घर के अंदर अंधेरा होता तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी नेचुरल लाइट को लेके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको स्पेस मिल रहा है, ये स्पेस आपकी एक तरह से अलमीरा के लिए हो गया। आप लोग अपनी जो सेकेंड अलमीरा है वो यहाँ पे आप डिज़ाइन करवा सकते हो, या जब आप लोग शिफ्ट करोगे अपने फर्नीचर के साथ तो जो आपके पास सेपरेट अलमीरा होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस मिला है। चाहो तो आप अलमीरा ऐसे लगा लो, चाहो तो आप ऐसे लगा लो। सेम इस बेडरूम में भी आपको, एक बार कैमरा मैन बोलूँगा इधर की तरफ आ जाए, आपको यहाँ पे क्या कहते हैं स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी हो रखी है, प्री इंस्टॉल है, जिसमें आपको कहते हैं कोई तोड़ फोड़ कराने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ड्राइंग रूम में और ये बेडरूम में स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग हो रखी है, बाकी दो बेडरूम्स उनमें विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल रहा है। इसके लिए भी एमसीबी यहाँ पे लगाई हुई है, जिसमें आपको 32 एम्पीयर की एमसीबी मिल रही है। तो गाइस ओवरऑल ये हमारा 3 BHK बिल्डर फ्लैट था। आई होप आपको हमारा 3 BHK बिल्डर फ्लैट पसंद आया होगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, इवन यू कैन कॉल अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिस। लेकिन गाइस जाने से पहले मैं एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए। फॉर इस वीडियोस को अगर पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ पुनीत गुप्ता साइनिंग ऑफ। आपसे मैं मिलता हूँ अपनी अलग जो आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट है उस वीडियो के अंदर। सी यू सून।